नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्कल कोचिंग किटवर्ड में। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको यहाँ पे एस चंद्र रीजनिंग और आर एस अग्रवाल का मैथ वस्तुनिष्ठ वाला पढ़ा रहे हैं। तो ये क्लास आपकी रीजनिंग की, और रीजनिंग में आपका जो चैप्टर चल रहा है रक्त संबंध चल रहा है, और इसमें जो आपके अभी तक क्वेश्चन हुए हैं वो 85 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। उससे आगे के क्वेश्चन मैं आज आपको कराने जा रहा हूँ। पर उससे पहले अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा देना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और ये क्लास जो क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूँ 80 तक हो चुके हैं, तो उससे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 तक हो चुके हैं, उससे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। तो क्वेश्चन में आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 86। इसमें क्या है, यदि ए प्लस बी का अर्थ, ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी की मान, ए बी की मान, ठीक है। इससे आगे क्या दिया गया है, ए भाग बी का अर्थ, ए भाग बी का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, बी का क्या है, भाई, ठीक है। इससे आगे ए गुणा बी का अर्थ, ए गुणा बी का अर्थ, ए बी का पुत्र है, ए जो है वो बी का क्या है, पुत्र है, बी का क्या है, पुत्र है, ठीक है। ए माइनस बी का अर्थ, ए माइनस बी का अर्थ वो क्या है, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। जैसा कि आप भी देख रहे होंगे वो सभी ये सारे डिटेल आपको दिए हैं। तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ है, सी डी की बहन है, ये बताना है, सी डी की बहन है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चलेंगे। तो इसमें ये बताना सी डी की बहन है ना। तो इसमें जैसे पहला भी ऑप्शन है यहाँ पे लगा हुआ पी प्लस डी और भाग सी, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ए और बी या पी सी डी नहीं है, इम्पोर्टेंट है चिन्ह। जैसे यहाँ प्लस है तो आप ये देखिए प्लस का अर्थ क्या है, ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी की माँ है, मतलब जिनके बीच में प्लस है उनमें पहला वाला दूसरे की माँ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी डी की माँ है, पी जो है वो माँ है, इसकी माँ है डी की माँ है, ठीक है। तो माँ का रिश्ता बड़ा है, बड़ा रिश्ता ऊपर लिखते हैं, छोटा रिश्ता नीचे लिखते हैं। अब यहाँ जाए डिवाइड, तो डिवाइड का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है, मतलब पहला वाला दूसरे का भाई है। तो डी जो है किसका भाई है, डी जो है सी का भाई है, सी का भाई है ना, डी जो है किसका भाई है, सी का भाई है, क्योंकि यहाँ ए भाग बी का मतलब ए बी का भाई है, तो ये भाई है, ठीक है। और हमें बताना क्या, सी डी की बहन है। तो अब हमें यहाँ पे ये क्लियर नहीं हो रहा है कि ये जो सी है ये डी का भाई है या डी की बहन है। डी का तो पता है, डी जो है ये मेल है, सी का ये पता नहीं पड़ पा रहा ये मेल है या फीमेल है, मेल है या फीमेल है। तो इसलिए हम यहाँ से ये नहीं कह सकते कि सी डी की बहन है, क्योंकि सी डी का भाई भी हो सकता है यहाँ और बहन भी हो सकती है, और हमें बताना है कि सी डी की बहन है तो कौन सा है। तो पहला ऑप्शन तो इसका है नहीं आंसर, इसी तरह दूसरे ऑप्शन पे आ रहे हैं, दूसरे में देखते क्या है। तो दूसरा ऑप्शन जो इन्होंने लगाया है इस क्वेश्चन का वो क्या है, डी माइनस पी, दूसरा डी माइनस पी और डी माइनस सी, ये तो माइनस पर आ जाए, माइनस का अर्थ क्या, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो डी जो है बहन है किसकी, पी की। अब हमें पी का नहीं पता, पी इसका भाई है या बहन है, ठीक। भाग पे आ जाए, ए भाग बी का अर्थ है ए बी का भाई है, मतलब पी जो है भाई है किसका, सी का। तो ये तो ए की पी डी क्या आ रही है, पी जो है भाई है सी का, ठीक। और रिलेशन क्या सी और डी के बीच में, कि सी डी की बहन है। अब हमें यहाँ पता चल गया ए बी ये तो फीमेल हो गया फिर यहाँ पे, है ना, सी डी की बहन है, सी जो है जैसे यहाँ स्टार्टिंग में आती तो डी बहन थी पी की, है ना। चलो ये तो क्लियर है, ये लड़की है और ये लड़का है, पर इसका तो नहीं पता कि ये लड़का है ये लड़की है सी, यहाँ पे ये क्लियर नहीं है, वरना यहाँ से भी हो जाता ये क्वेश्चन, ये भी आंसर राइट हो जाता अगर हमें ये पता चलता, अगर ये आपका क्या होता लड़का होता, तो सी डी की बहन है, लड़की होनी चाहिए थी, ये बेशक की लड़की ही, फिर भी बहन की बहन तो बहन ही लगेगी ना, लड़की और लड़की आपस में, तो हो जाता कि सी डी की बहन है, है ना। तो ये भी आंसर इसका नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सी का क्लियर नहीं हो पा रहा सी लड़की है या लड़का है। नेक्स्ट उस ऑप्शन पे आते हैं, इसके ऑप्शन नंबर तीन में इसने क्या दिया है, डी माइनस सी, ये तो बिल्कुल नहीं होने का। डी माइनस सी का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब ए माइनस बी का मतलब जैसे तीसरा है डी माइनस सी, माइनस के लिए क्या है, पहला वाला दूसरे की बहन है, यहाँ हो गया डी जो है सी की बहन है, जबकि हमें क्या बताना है सी डी की बहन है। तो इससे तो ये क्लियर हो रहा है डी सी की बहन है। अब सी का नहीं पता कि सी लड़का है या लड़की है, और अगर सी लड़की हो और ये चाहे लड़का हो या लड़की हो तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाए, ऑप्शन नंबर चार, ऑप्शन चार में देखते क्या है। तो इसमें क्या बोला गया है, फोर्थ में डी गुना पी माइनस सी, डी गुना पी माइनस सी, और देखिए फिर तो क्रॉस का मतलब क्या है, ए गुना बी का मतलब क्या है, ए बी का पुत्र है, मतलब पहला वाला दूसरे का पुत्र है,
तो डी जो है पुत्र है किसका, पी का, ठीक है। अब ये नहीं पता ये लड़का है या लड़का, मतलब मेल है या फीमेल। आगे फिर माइनस, तो ए माइनस बी का क्या, ए बी की बहन है, मतलब पहला वाला दूसरे की बहन है। तो पी माइनस सी का मतलब क्या हो जाएगा इसमें, कि पी जो है बहन है किसकी, सी की, ठीक। तो और हमें बताना सी डी की बहन है, तो सी और डी एक पीढ़ी में होने चाहिए थे, तभी तो बहन या भाई का रिलेशन बन सकता है, या तो है नहीं, तो ये भी आंसर नहीं है। तो जो लास्ट बचा वही इसका आंसर है। अब देखो उसमें सेटिस्फाई करके आपको दिखा दी कैसे वही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर पांच पे आ जाए, तो सी माइनस बी, पांचवा जो इसका ऑप्शन था वो है सी माइनस बी और डिवाइड डी, ठीक है। ये लास्ट इसका ऑप्शन है और ये भी इसका आंसर भी हो जाएगा, है ना। तो आ जाए देखो, माइनस ए माइनस बी का अर्थ क्या, ए बी की बहन है, तो यहाँ हो जाएगा सी पी की बहन है, सी बहन है किसकी, पी की, तो ये फीमेल है, ठीक। और फीमेल हमें चाहिए भी, सी डी की बहन है। अब पी का पता नहीं, पी से कोई मतलब भी नहीं है, आगे आ जाए, पी भाग डी, तो ए भाग बी का मतलब क्या, ए भाग बी का भाई है, मतलब जिनके बीच में भाग का निशान है उनमें पहला वाला दूसरे का भाई है, तो पी जो है भाई है किसका, डी का, ठीक। अब देखो ये लड़की है ये लड़का है, अब इसका नहीं पता ये लड़का है या लड़की है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें क्या बताना है सी डी की बहन है। अब अगर ये लड़का है तो तब भी सी देखो डी की बहन है, क्योंकि जब ये इसकी बहन है और ये इसका भी भाई है इसका भी भाई है, तो ये आपस में भाई बहन है सारे, है ना। अब ये अगर लड़का है तो तब भी ये रिलेशन आना कि सी डी की बहन है, और अगर ये लड़की है तब भी यही बोला जाएगा कि सी जो है डी की बहन है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हमें ये क्वेश्चन करने का, क्वेश्चन नंबर 87 पे आप आ जाए। 87 इसमें क्या बोला गया, यदि, अच्छा ऊपर डिटेल दी है 87 से 89 तक क्वेश्चनों के लिए डिटेल यहां पे दी है आपको, पहले उन डिटेल को हम लिख लेते हैं। ए प्लस बी का अर्थ है, ए प्लस बी का अर्थ क्या इसने दिया है आपको यहां पे, ए बी की पुत्री है, ए जो है बी की पुत्री है, ये इसने अर्थ दिया है आपको ए प्लस बी का। और ए गुना बी का अर्थ क्या है, ए गुना बी का अर्थ इसने आपको क्या दिया है यहां से, ए बी का पुत्र है, ए जो है बी का पुत्र है, ये इसका अर्थ है ए गुना बी का। इससे आगे a माइनस बी का अर्थ, a माइनस बी का क्या अर्थ इन्होंने दिया है, a b की पत्नी है, a b की पत्नी है, ठीक है। इससे आगे बस इतने ही इन्होंने दिया है। अब आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 87 पे आ जाए। अब 87 में आपसे ये क्या पूछना चाह रहा है, यदि p गुणा q माइनस s हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो एक काम करें, पहले आप इसके लिए ग्राफ बना लें, इसके लिए क्या बना लें आप पहले ग्राफ बना लें। तो p गुणा q, अब गुणा के लिए क्या है, पहला वाला दूसरे का पुत्र है, क्योंकि a गुणा b का अर्थ है a b का पुत्र है, तो यहाँ p जो है q का पुत्र है, तो p किसका पुत्र है, p पुत्र है किसका, q का। अब हमें q का ये नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल है। आगे माइनस का अर्थ क्या है, a माइनस b का अर्थ है a b की पत्नी है, है ना, a जो है मतलब जिनके बीच में माइनस है उनमें से पहली वाली दूसरे की पत्नी है, तो q जो है पत्नी है, q क्या है पत्नी है किसकी, s, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ बन गया। अब इसका पहला ऑप्शन आप देखें सभी, s p का पिता है, पहला ऑप्शन क्या है, s जो है p का पिता है, बिल्कुल राइट है, तो पहला ही इसका आंसर हो जाएगा, s p का पिता है, पहला ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 88। अब 89 तक के लिए यही डिटेल है जो ऊपर आपके लिए लगी हुई है ना, 88 पे आ गए। 88 में क्या बोला गया है, यदि t माइनस एस गुणा बी और माइनस एम, ये t माइनस एस गुणा बी माइनस एम हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये पूछा गया है। तो पहले आप इसके लिए ग्राफ बनाएं, a माइनस बी का अर्थ क्या है, a b की पत्नी है, तो इसका मतलब हो जाएगा t s की पत्नी है, t जो है पत्नी है किसकी, s की। और फिर आगे गुणा का अर्थ क्या है, a गुणा बी का अर्थ है a b का पुत्र है, तो इसका मतलब हो जाएगा s जो है b का पुत्र है, s जो है पुत्र है किसका, b का, ये पुत्र है किसका, पुत्र है b का, ठीक है। फिर आगे फिर माइनस आ गया, तो a माइनस b का अर्थ क्या है, a b की पत्नी है, तो इसका मतलब b माइनस s का अर्थ क्या आ जाएगा, b जो है पत्नी है इसकी m की, b पत्नी है ये, है किसकी पत्नी है, m की पत्नी है, ये ग्राफ आपका बन चुका है। अब हमें ये बताना कौन सा असत्य है, तो पहला ऑप्शन है s b का पुत्र है, एस जो है बी का पुत्र है, ये तो बिल्कुल सत्य है, ये लिखा बिल्कुल साफ ही। दूसरा एस बी की बहन है, अब देखो बहन और भाई का रिलेशन तो बराबरी का होता, अगर एस और बी एक पीढ़ी के होते तभी तो भाई या बहन का रिलेशन बनता,
इसलिए दूसरा ही ऑप्शन इसका गलत है, दूसरा ही ऑप्शन इसका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 89 तक के लिए डिटेल थी, क्वेश्चन नंबर 89 पे आ रहे हैं, यहीं तक के लिए डिटेल थी। 89 में क्या है, यदि z गुना t माइनस s गुना u, ठीक है भाई, प्लस p हो तो यू जेड का कोण है, ये आपसे पूछेगा यू जेड का कोण है, तो जो इसके अकॉर्डिंग आप पहले इसका ग्राफ बनाएंगे तो a गुना b का क्या, a b का पुत्र है, तो जेड जो है t का पुत्र हो जाएगा, जेड किसका पुत्र है, ये पुत्र है जेड किसका, t का। अब t माइनस s का क्या होगा, a माइनस b का, a b की पत्नी है, तो इसमें हो जाएगा t पत्नी है इसकी s की। अब गुणा के लिए आ जाए, a गुणा b का अर्थ है a b का पुत्र है, तो s जो है पुत्र है किसका, u का, ये पुत्र हो गया है, ठीक, u का। अब प्लस के लिए a प्लस b का अर्थ क्या, a b की पुत्री है, तो u जो है पुत्री है किसकी, p की, तो यहां से थोड़ा सा ऊपर जाना होगा, ऐसे हो जाता, चलो यही लिख देता हूं, u जो है पुत्री है किसकी, पुत्री है u p की, क्योंकि a प्लस b का अर्थ क्या है, ए बी की पुत्री है, जिनके बीच में प्लस है उनसे पहला वाला दूसरे की पुत्री है, तो यू और पी के बीच में प्लस है, तो यू पुत्री है इसकी पी की, ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर मैंने बना दिया। अब आपसे क्या पूछना चाह रहा है, तो ये कह रहा है यू जेड का कौन है, यू जो है ये रहा यू जेड का कौन है, यू बताना है। अब देखो ये आपस में पति पत्नी है और यू जेड जो है टी की पुत्री है ना, पुत्र है, टी का क्या है, पुत्र है, तो एस का भी पुत्र है, तो जेड के ये माता और पिता है, और यू जो है एस की क्या है, मां है, यू जो है एस की मां है, तो इसका मतलब जेड जो है यू का पोता हुआ और यू जेड की दादी हुई, यू जेड की क्या हो जाएगी, यहां से दादी हो जाएगी, तो इसका आंसर जो है ना दादी आएगा, इसका आंसर दादी, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन हो गए हैं 87 से 89 तक के लिए डिटेल थी, इससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 90 में, देखते क्या है, यदि p प्लस q का अर्थ है, देखो p प्लस q का अर्थ क्या है, p q का पति है, p q का पति है, ठीक है, इससे आगे p भाग q का अर्थ है, p भाग q का अर्थ है p q की बहन है, क्योंकि बहन है, ये इससे आगे है p गुणा q का अर्थ, p गुणा q का अर्थ p q का पुत्र है, p q का पुत्र है, ये डिटेल आपको दी है और आपसे क्या पूछ रहा है, तो निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा यह निरूपित करता है कि a b की पुत्री है, ये बताना है a B की पुत्री है, ठीक है, तो यहाँ ना तो A भी इम्पोर्टेंट होता है ना P भी इम्पोर्टेंट होता है, ये इसके बीच में निशान होते हैं प्लस माइनस गुणा भाग के, ये इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब आपको बताना है इसमें, तो पहला ही ऑप्शन इसका लेख के देखते हैं, ऑप्शन चेक करना होगा, तो पहले ही इसका ऑप्शन क्या है, इसमें दिया है a भाग d, ठीक है, और गुणा b, तो बताना है हमें इसमें कि ए बी की पुत्री है, तो देखें अब ए भाग वाला निशान का अर्थ देखें, आप पी भाग क्यों का अर्थ क्या है, पी क्यों की बहन है, मतलब जिनमें भाग का निशान है जिनके बीच में पहला वाला दूसरे की बहन है, तो ए जो है ये आपकी क्या है, ए जो है बहन है किसकी, डी की, ए जो है डी की बहन है। अब ये नहीं पता ये लड़का या लड़की है, इससे आगे क्या है गुणा, अब गुणा का अर्थ क्या है, पी क्यों का पुत्र है, जिनके बीच में गुणा का निशान है उनमें से पहला वाला पुत्र है बाद वाले का, तो D जो है पुत्र है किसका, B का। अब आपसे क्या पूछा था, इसने A B की पुत्री है, अब देखो A और D आपस में, ये इसकी बहन है और ये इसका भाई, ये दोनों आपस में भाई बहन है, और D जो है जब B का पुत्र है तो A B तो B की पुत्री हुई, A B तो B की पुत्री हुई ना, और ये कह रहा है कि A B की पुत्री है, तो यही आंसर इसका राइट है, ऑप्शन नंबर 1। इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 92 पे आ जाए, 92 में देखने क्या है, यदि p प्लस q का अर्थ, देखो p प्लस q का अर्थ क्या दिया है इन्होंने, h लिख देते हैं, p प्लस q का अर्थ क्या है 92 में, कि p q का भाई है, p q का
भाई है, ठीक है। इससे आगे पी गुणा क्यू का अर्थ, पी गुणा क्यू का अर्थ क्या है, पी क्यू की माँ, पी क्यू की माँ है, हा? इससे आगे पी भाग क्यू का अर्थ, पी भाग क्यू का अर्थ क्या है, पी भाग क्यू का अर्थ पी क्यू की बहन है, पी जो है बहन है, पी क्यू की बहन है, ये लीजिए। और इससे आगे भी कुछ दिया है, 92 क्वेश्चन पे हमें है, पी भाग क्यू का किसने दिया है, तो कह रहा है आर क्यू का चाचा है, आर क्यू का चाचा है, आर क्या है, क्यू का चाचा, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण इसे निरूपित करता है, तो पहला समीकरण क्या है, ये है आर भाग पी प्लस एस। अब देखो, देख तो ही इसे हम कट कर देंगे, क्योंकि रिलेशन आर और क्यू के बीच में बताना है, और इसमें आर और क्यू है ही नहीं, जब आर और क्यू इसमें है ही नहीं तो रिलेशन कहां से बनेगा, तो पहला तो होने का ही नहीं आंसर, तो पहला तो देख तो हम हट जाएंगे। अब दूसरे ऑप्शन में आ जाए, तो दूसरे में भी क्या है, देखो दूसरा ऑप्शन भी वैसे तो आपको दिख रहा होगा, पर मैं लगा देता हूं आर गुणा एस प्लस पी। अब देखो इसमें आर तो है पर दूसरा क्यों, क्यों इसमें भी नहीं है, जब इसमें क्यों नहीं है तो आर और क्यू के बीच रिलेशन कहां से लेके आए, तो ये भी गलत हो गया है। तीसरे में भी यही है, चौथे में भी यही है, सारे ऑप्शन इसके गलत हो जाएंगे, पांचवा आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, कोई से भी ऑप्शन में आर और क्यू नहीं है, आर आर है बस क्यू नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा पांच इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 93 में देखते हैं क्या है, ऊपर डिटेल दी है 93 से 94 के लिए, ये डिटेल जो है 93 से 94 के लिए है, क्या डिटेल है, P प्लस Q का अर्थ, P प्लस Q का अर्थ क्या दिया है इन्होंने, P Q की माँ, P जो है Q की माँ है ना, ये लीजिए। इससे आगे P भाग Q का अर्थ, P भाग क्यों का अर्थ, पी क्यू का पिता है, पी जो है क्यों का पिता है, इससे आगे आ जाए पी माइनस क्यू का अर्थ, पी क्यू की बहन है, ठीक है, ये तो अब कह रहा है 93 क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण यह निरूपित करता है कि एम आर की पुत्री है, एम जो है आर की पुत्री है, यह बताना है ऑप्शनों में से समीकरण उठा के, एम आर की पुत्री है, अब पहला ही इसका ऑप्शन देखते हैं, तो पहला जो इसका ऑप्शन है वो है आर भाग एम प्लस एन प्लस एन, तो आर भाग एम, तो भाग के लिए क्या है, पी भाग क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, जिनके बीच में भाग का निशान है उनमें से पहला वाला दूसरे का पिता है, तो R जो है वो पिता है इसका M का, अब M का ये नहीं पता कि ये लड़की है या लड़का, अब प्लस पे आ जाए तो P प्लस क्यू का क्या, P क्यू की माँ, जिनके बीच में प्लस का निशान है उनमें से पहला वाला दूसरे की माँ है, तो M N की माँ है, M जो है माँ है इसकी N की, अब बताना क्या था, M R की पुत्री है, M जो है R की पुत्री है, तो ये तो यहीं से क्लियर हो गया था, ये तो एम आर की पुत्री है ना, तो ये तो यहीं से क्लियर हो चुका था, इतने से तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 वो भी इसी डिटेल से होना है, क्योंकि 93 और 94 के लिए एक ही डिटेल है, तो 94 पे आ रहा है, 94 में देखने क्या है, उपयुक्त प्रश्न के उत्तर देने के लिए कौन सा कथन आवश्यक नहीं है, ये बता दें कौन सा कथन आवश्यक नहीं है, तो जैसे अब ये सारे ऑप्शन हमें लेने पड़ेंगे 93 के, क्योंकि इसने ये बोला है उपयुक्त प्रश्न के उत्तर देने के लिए कौन सा कथन आवश्यक नहीं है, है ना, तो आंसर क्या देना था, 93 का आंसर ये आपसे पूछ रहा था कि M जो है R की पुत्री है ना, ये बताना था, तो पहला तो आवश्यक है, अभी हमने करा पहला तो आवश्यक है, अब दूसरा ऑप्शन देख लें, दूसरा क्या है आर प्लस एन भाग एम, अब इससे भी देखें कैसे रिलेशन आ रहा है कि एम आर की पुत्री है, तो देखो R प्लस N, तो प्लस के लिए क्या है P क्यू की माँ, तो R जो है माँ है किसकी, N, और भाग के लिए क्या है P भाग क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है, पहला वाला दूसरे का पिता है, तो N जो है N पिता है M का, N जो है वो पिता है किसका, M का पिता, और हमें क्या बताना था M R की पुत्री है,
एम जो है इसकी पुत्री है, आर की पुत्री है, तो एक तो दूसरा आवश्यक नहीं आ रहा है क्योंकि इससे ये रिलेशन नहीं आ रहा है कि एम आर की पुत्री है, पहले से तो आ रहा था, तो दूसरा अब इससे आ गया है। इसका अगला ऑप्शन क्या है, तीन, और तीन ही इसमें ऑप्शन है इस तरह से, तो तीसरे ऑप्शन पे आ जाएंगे। तीसरा ऑप्शन क्या है, आर माइनस एम और भाग एम, ठीक है, ये ऑप्शन इसके लेंगे 93 के, और आंसर 94, मतलब 93 और 94 एक ही क्वेश्चन आप समझेंगे। तो आ जाए माइनस के लिए क्या है, पी माइनस क्यू का अर्थ क्या है, पी क्यू की बहन है, तो आर जो है बहन है एम की। अब भाग में आ जाए, पी भाग क्यू का अर्थ क्या है, पी क्यू का पिता है, तो एम पिता है इसका एन का, तो क्या इससे ये रिलेशन बन रहा है कि एम आर की पुत्री है, तो एम आर की पुत्री कहां है, ये तो एक पीढ़ी के हैं, तो ये भी नहीं, ठीक है। अब पहला ऑप्शन यस है क्योंकि पहले से तो ये रिलेशन आ रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 294 का। अच्छा 94 कौन सा आवश्यक नहीं है, तो इसमें जो है ऑप्शन देखें एक बार आप 94 के, तो देखें इसे क्वेश्चन नंबर 94, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 94 का, तो दूसरा और तीसरा की आवश्यकता नहीं है, ये रिलेशन केवल पहले से ही होता, ठीक है। इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 95 का, 95 में देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 95, इसमें क्या बोला गया है, ऊपर इसने दे दिया है 95 से 97 के, 95 से 97 तक की डिटेल, ठीक है, 95 से 97, जे टी तथा आर का माता है, जे जो है टी तथा आर की माता है, टी और आर की माँ है कौन, जे। अब हमें ये नहीं पता कि टी और आर मेल है या फीमेल, बस इतने पता है कि टी और आर जे की संतान है, ठीक है, टी केवल एफ की पुत्री है, टी किसकी पुत्री है, एफ की, तो ये तो फीमेल है। अब जब ये एफ की पुत्री है तो इसका मतलब एफ जो है एफ जे का पति हो जाएगा, जे का क्या हो जाएगा, पति, तो एफ और जे पति पत्नी है और टी इनकी पुत्री है और आर का भी क्लियर नहीं कि पुत्र है या पुत्री है। एफ एम का भाई, एफ किसका भाई है, एम का भाई, तो इसी पीढ़ी में आ जाएगा, इधर लिख देता हूं एम का भाई है, ठीक है, एफ जो है एम का भाई है। अब हमें ये नहीं पता कि ये एफ की बहन है या भाई है ना, तो ये तो फीमेल है, ये मेल है, ये तो क्लियर हो चुका ना, इसका क्लियर ना इसका, ठीक है। इससे आगे आते हैं, फिर क्या बोला गया है, एम एल की पुत्री है, एम जो है किसकी पुत्री है, एल की पुत्री, अब क्लियर हो गया ये लड़की है, अब ये पुत्री किसकी है, ये एल की पुत्री है ना, ये पुत्री है, तो एफ और एम भाई बहन है और ये एम एल की पुत्री है, तो इसका मतलब एफ भी एल का पुत्र है, एफ भी किसका पुत्र है, एल का पुत्र है। इससे आगे बढ़ जाए, एल का विवाह डी से हुआ है, एल का विवाह किससे हुआ है, डी से, तो ये आपस में पति पत्नी पर पता नहीं कौन सा पति है, कौन सी पति है, पत्नी, एल का विवाह डी से हुआ है, डी एस का भाई है, डी किसका भाई है, डी भाई है किसका, एस का, इसका मतलब ये पति और ये पत्नी की आपस में। अब इसका और इसका नहीं पता कि ये लड़का लड़की है क्या, आगे क्या पूछा गया है, तो 95 का है क्वेश्चन नंबर 95। अब 95 में ये क्या पूछ रहा है आपसे, दी गई जानकारी के आधार पर एल का आई से क्या रिश्ता है, एल का आई से क्या रिश्ता है। अब देखो यहाँ पे तो कहीं आई है ही नहीं, कहीं भी आई नहीं है, तो इसका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता 95। 96 पे आ जाए क्वेश्चन नंबर 96। अब 96 में क्या है, दी गई जानकारी के आधार पर एल आर का एम से क्या रिश्ता है, आर का एम से, तो R और M का रिलेशन बताना है, तो देखो ये जो है T और R, ये किसकी संतानें हैं, F और J, ठीक है। अच्छा अब R से रिलेशन बताना है, R का रिलेशन बताना है M से, R से रिलेशन किसका बताना है, M का, मतलब R M का क्या है। अब F और M भाई हैं आपस में, तो ये जो है M R की बुआ है, M जो है R की बुआ है, तो R इसका या तो भतीजा लगेगा या भतीजी लगेगी। अब ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है दामाद नहीं, पुत्री, पुत्र, भतीजी, भतीजा, है ना, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो पांचवा ऑप्शन हो जाएगा भतीजा, तो आंसर क्या जाएगा इसमें, इसका भतीजा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इससे आगे बढ़ जाए क्वेश्चन नंबर आठ,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 97। अब 97 में देखते हैं क्या, 97 में आ जाए, 97 में क्या पूछा है, यदि M की शादी Y से होती, M की शादी किससे होती, M की पत्नी हो रहा था, नहीं पुत्री है ना, तो पति आ गया, M का पति कौन है, Y, क्योंकि ये पहले से ही फीमेल है। यदि M की शादी Y से होती तो Y का F से क्या रिश्ता होता, तो Y जो है F का क्या लगता है ये आपको बताना है। अब F कहाँ है, यहाँ है, तो देखो M और F आपस में भाई बहन है, तो M जो है F की बहन है और Y M का पति है, तो इसका मतलब F जो है Y का क्या लगेगा, साला, और Y M का क्या लगेगा, जीजा। Y जो है M का क्या लगेगा, F का क्या लगेगा, जीजा। F जो है Y का क्या लगेगा, साला, और Y M का क्या लगेगा, जीजा। अब ये देखें आप में आंसर किसका पूछ रहा है, रिलेशन F का Y का F से क्या रिश्ता, मतलब Y क्या लगेगा, तो ऑप्शन है भाई तो नहीं लगेगा, अंकल नहीं, तीसरा ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ इसका आंसर हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ, इन लॉ, ठीक है भाई, ये आपका आंसर। तो आगे आ रहे क्वेश्चन नंबर 98 से 100 तक के लिए लेते, 98 से 100 तक के लिए एक डिटेल इसने दी, देखते हैं क्या है, देखें क्या है, जे टी की बहन है, जे जो है ये बहन है, किसकी बहन है, टी की, ठीक है, टी का विवाह डी के साथ हुआ, टी का विवाह किससे हुआ है, डी से हुआ है, ठीक है, डी आर का पिता है, डी किसका पिता है, आर का, तो इसका मतलब आर जो है टी और डी का उत्तर या उत्तरी है, तो ये मेल है और ये फीमेल है और ये मेल है, क्योंकि उसने ये कहा है डी आर का पिता है, तो इसका मतलब डी जो है वो मेल है, तो टी इसका मतलब फीमेल है, आर डी का पिता है, एम एच का पुत्र है, एम किसका पुत्र है, एच का। अब देखो यहाँ पे ना तो एम है ना एच है, तो हमें नहीं पता ये किस पीढ़ी के, तो छोड़ दें इस सेंटेंस को, आगे बढ़ते हैं, टी एच की सास है, टी किसकी सास है, टी जो है ये एच की सास है, एच की सास है, ठीक है, एच की जब ये सास है टी, है ना, आगे बढ़ते हैं, अब जो सेंटेंस थोड़ा सा देख लें, एम एच का पुत्र है, एम किसका पुत्र है, एम जो है वो पुत्र है किसका, एच का, तो ये देखिए, अब या तो इसकी माता हो सकती है या पिता हो सकता है एच, ठीक, आगे बढ़ जाए, टी एच की सास है, जे को डी को केवल एक पुत्र है, डी के कितना पुत्र है, केवल एक ही पुत्र है, डी के कितना पुत्र है, केवल एक ही है, तो इसका मतलब ये ही पुत्र है डी का, है ना, तो ये क्या है, ये आपस में पति पत्नी है, और ये इसकी पत्नी और ये इसका पति है, ठीक है, तथा कोई पुत्री नहीं है, जे का विवाह बी के साथ हुआ है, जे का विवाह किससे हुआ है, बी से, तो आ जाए जे का विवाह जो है वो बी से हुआ, जे का विवाह, अब ये तो फीमेल था, जे बहन है टी की, है ना, तो ये पति हो गया इसका, ठीक, इससे आगे बढ़ जाए, एल बी की पुत्री है, एल किसकी पुत्री है, एल जो है वो बी की पुत्री है, अब बी कहाँ है ये, तो एल जो है ये पुत्री है, एल पुत्री है किसकी, बी की, तो जे की भी है जब बी की भी है, ठीक है, अब आ जाए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 98 पे आ जाए, अब 98 में क्या पूछ लिया, एल किस प्रकार टी से संबंधित है, एल जो है टी का क्या लगेगा, ये देखना है आपको, एल टी का क्या लगेगा, अब देखो ये तो आपस में पति पत्नी है दोनों, है ना, और ये आपस में बहन बहन है, है? क्योंकि जे बहन है टी की, है? अब ये कह रहा कि एल जो है टी का क्या लगेगा, ये तो कह रहा है एल किस प्रकार टी से संबंधित है, तो पहला ही ऑप्शन है भतीजी या भांजी, तो यही आंसर हो जाएगा, या तो भतीजी लगेगी इसकी या भांजी लगेगी, या तो भतीजी या भांजी, इनमें से कौन सा आंसर होगा इसका, 99 में आ जाए क्वेश्चन नंबर 99 में देखते हैं क्या है, इसमें पूछा गया है एम किस प्रकार डी से संबंधित है, एम और डी का रिलेशन पूछा है, एम और डी का रिलेशन आपसे पूछा है, अब देखो ये आपस में कौन है, पति पत्नी है ना, और ये इसका पुत्र है, इन दोनों का पुत्र है, और ये इसकी पत्नी है ना, तो एम जो है डी का क्या हो गया है, पोता हो गया है, क्या हो गया है, पोता या नाता, है ना, तो इसका फोर्थ ऑप्शन इन्होंने दे रखा है, पोता या नाती, पोता या नाती, है ना, जैसे ऑप्शन दे रखा है उसके ही अकॉर्डिंग चलना होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन यहीं तक आपको कराने भी है, क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं, अब 100 में क्या पूछा गया है देखते हैं, जे किस प्रकार आर से संबंधित है, जे और आर का रिलेशन पूछा गया है, तो जे तो ये रहा आपका, है, और आर कहाँ है, आर ये, तो जे और आर का रिलेशन पूछा गया, अब देखो
ये और ये आपस में भाई बहन बहन है, है और ये आपस में पति पत्नी है, ठीक। चलो तो ये और ये आपस में बहन बहन है दोनों, और ये इसका क्या है, पुत्र है, आर इसका पुत्र है, ठीक है। तो ये इसका क्या लगेगा, तो आर तो जे की बहन का लड़का है, आर कौन है, जे की बहन का लड़का, क्योंकि टी जो है जे की बहन है। इसमें ऑप्शन लगा रखा चाची, पहला ऑप्शन है बहन तो नहीं होगा, चाची मामी मौसी बुआ, तो मौसी आंसर हो जाएगा। तो उसमें तो सारे ही लगा रखे इन्होंने, ऑप्शन नंबर दो जो है सो का चाची मामी मौसी बुआ, तो दूसरा आंसर हो जाएगा मौसी, कौन सा हो जाएगा मौसी, ठीक है। तो यहाँ तक ही आज आपको क्वेश्चन कराने थे, बस इसकी एक क्लास हो रही है, फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा।